आसे आजम की बारगाह में वही आ गया और फिर कहा ए अल्लाह का बंदा डंडा बन जा, डंडा बन गया। कहो सुभान अल्लाह, ये करामत कैसे आजम दस्तगीर की, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और ये दुरुस्त श्री अल्लाहुम्मा सल्ले अला लेकिन मुझे बात आई बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला, माँ की दुआ से विलायत का ताज मिला। आका फरमाते सल्लल्लाहु तो सुबह उठकर माँ बाप का जो भी चेहरा देखेगा अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा, माँ बाप का चेहरा। लेकिन अगर जितनी बार देखा इतनी बार हज का सवाब। अगर आप कहेंगे हाजी साहब हजरत हम तो माँ बाप नहीं है तो क्या करें, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप हयात ना हो, क्या है, जिसके माँ बाप हयात ना हो वो कब्रस्तान जाए। कहाँ जाए? कब्रस्तान जाए, माँ बाप की कब्र पर। और जैसे माँ बाप कब्र पे जाएगा अल्लाह हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, उम्रे का सवाब बढ़ गया। लेकिन अगर हयात है, रात है, सिर्फ माँ की बारगाह में बैठो, बाप की बारगाह में बैठो, अगर माँ ऐसे करो करीब करीब चलो जहाँ 40 होते अल्लाह का वली होता। अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा मजमा भरा हुआ है, चारों तरफ आदमी आदमी दुरूद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सलात व सलाम अली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप हयात है और उस बच्चे ने रात है माँ बाप की बारगाह में बैठा, माँ बाप ने मुस्कुरा दिया, अब ये बच्चा चला गया अपने बिस्तर पे लेट गया, लेकिन रसूल पाक फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इतना सवाब मिलता है गोया काबा शरीफ को गया और पूरी रात काबा शरीफ का तवाफ किया, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता है। बैठा है अपने कमरे में लेकिन अल्लाह तबारक व ताला इतना सवाब अता फरमाता है कि गोया पूरी रात काबा शरीफ का तवाफ किया, इतना सवाब अता फरमाता है। तो माँ बाप की खिदमत करो। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो माँ बाप की खिदमत करता है वो चलता फिरता जन्नती है, इसे जन्नती देखना हो दुनिया में। आका फरमाते हजरत उमर फारूक का जो हदीस के रावी है कि आका फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जो माँ बाप की खिदमत करता है वो चलता फिरता जन्नती है। क्या है? और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ले अला बाइद बुस्तामी की माँ। मेरे माँ बाप कुर्बान, ये अपने बेटे को लेकर लोता बेटा, हम मद्रासे में बेचते नहीं बच्चे को, स्कूल के लिए खर्च करते हैं या फ्री में पढ़ाते, कोई वैल्यू नहीं। अरे यही कुरान है, कुरान। आका फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बच्चा को उस्ताद कहे पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और जब बच्चा बिस्मिल्लाह को पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला फरमाते फरिश्तों गवाह रहो मैंने बच्चे की उस्ताद की माँ बाप की बख्शिश अदा फरमा दे। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की ये फजीलत है तो कुरान पढ़ने की क्या फजीलत? आका फरमाते जब कोई कुरान पढ़ता है अल्लाह तबारक